हेलो टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कॉस्टिक गुड बॉय। मेरा नाम है फैसल और आज हम लोग करने वाले हैं दिल बेचारा सॉन्ग्स के गिटार टैप्स फ्रॉम द मूवी दिल बेचारा संग बाय एआर रहमान। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि ये सॉन्ग्स काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और क्यों चल रहा है इसकी वजह भी हम लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सर अब हमारे बीच में नहीं है और ये उनकी लास्ट मूवी थी, तो इस वजह से काफ़ी लोगों का प्यार इस मूवी को मिल रहा है एंड इस सॉन्ग को भी काफ़ी मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक लेसन बना देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग में सॉन्ग्स चल रहा है। तो बेसिकली मैं कराने वाला हूँ इस सॉन्ग्स का आपका पूरा पैकेज, मतलब मैंने टैप्स मैं इसके कराऊंगा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया एंड मैं इसके कॉर्ड्स भी कराने वाला हूँ कि इसमें कॉर्ड्स कौन कौन सी यूज़ हुई है और हम लोग किस तरह से इसको कॉर्ड्स को ओपन में यूज़ कर सकते हैं एंड बार कॉर्ड में यूज़ कर सकते हैं। प्लस मैं कराने वाला हूँ उसका स्ट्रमिंग पैटर्न कि इसमें स्ट्रमिंग कैसा यूज़ हुआ है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिरिक्स प्लस कॉर्ड्स भी डाल रखी है, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं एंड लिरिक्स के साथ कॉर्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन बहुत इजी है बट इसको और इजी करने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस लेसन को बहुत इजी वे में कर पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें सिर्फ 3 स्ट्रिंग यूज हुई हैं, नीचे की फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, E1 B2 मतलब सेकेंड स्ट्रिंग एंड G की थर्ड स्ट्रिंग। ओके, इसको E से डिनोट करते हैं, इसको B से एंड इसको G से। इसी तरह से अब आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी स्ट्रिंग्स, उसमें 6 स्ट्रिंग बनी हुई हैं, दो उसमें नंबर लिखे हैं E1, B2, G3, तो ये स्ट्रिंग्स के नंबर हैं विथ सीरीज। तो उसी तरह से E से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जैसे नीचे उसमें बना हुआ है स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, E1 मतलब E स्ट्रिंग, B ये इसके नाम है सेकेंड स्ट्रिंग का, देन थर्ड स्ट्रिंग G, फोर्थ स्ट्रिंग D, फिफ्थ स्ट्रिंग A एंड सिक्स स्ट्रिंग E। तो इस पे जो नंबर्स लिख के आएंगे ये उन स्ट्रिंग्स के फ्रेट्स के नंबर होंगे जो इधर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक जाएंगे, मतलब आपको इधर से देखना फॉलो करना पड़ेगा राइट साइड तक। ओके, अभी टैप्स के बाद मैं आपको कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग भी बताऊंगा। ओके, और आप लोग अगर लिरिक्स के साथ इसके कॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी डाल रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे कॉर्ड्स और लिरिक्स आपको मिल जाएंगे। तो जो इसकी फर्स्ट लाइन है वह है दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, तो इसको यहाँ से प्ले करेंगे हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन हो गई। अगेन फिर है दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो रही है। मारा, अब है इसका थर्ड लाइन जो है फ्रेंड जोन का मारा, इसको प्ले करेंगे सेकंड स्ट्रिंग से हम लोग इसको प्ले करेंगे। एक बार फिर प्ले करके दिखाता हूं इस लाइन को, फ्रेंड जोन का मारा, आपको स्ट्रिंग्स पे दिख रहे होंगे नंबर्स वो फ्रेट्स के हैं। फिर इसके आगे कोई तो बता दे क्या करूं, तो इसको प्ले करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे प्ले करेंगे। तो ये लाइन थी कोई बता दे क्या करूं, तो उसके लिए फिर से मैं प्ले करके दिखाता हूं। देन इसके आगे जो लाइन है कोई बता दे क्या करूं, तो इसको प्ले करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको भी सिंपली मैं प्ले करता हूं बिल्कुल स्लो। करूं इसको मैं फिर प्ले करता हूं, कोई बता दे क्या करूं, देन अगेन जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्ले किया सेम बिल्कुल वैसे ही हो जाए। तो अब स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसे सेम प्ले किया सेम वही लाइन आ जाएगी अगेन, देन बेचारा फ्रेंडजोन का मारा, देन अगेन फ्रेंडजोन का मारा। अब टाइप फिनिश हो चुकी है, तो अब लोग चलते हैं इसकी कॉर्ड्स की तरफ, हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉर्ड्स कौन कौन सी यूज हुई हैं। ओके, जो मैंने इसमें यूज करी है कॉर्ड्स, मैंने ओनली 4 कॉर्ड यूज करी हैं। जो फर्स्ट कॉर्ड इसकी है, जो इसकी स्केल है वो है डी माइनर, तो इसकी जो फर्स्ट कॉर्ड है वो है डी माइनर। डी माइनर कोई 3 फिंगर से होल्ड कर सकते हैं आप लोग,
या फोर्थ फिंगर से भी होल्ड कर सकते हैं. डी माइनर एंड सेकंड कॉर्ड, एफ मेजर, आप लोग चाहे तो बार में भी होल्ड कर सकते हैं और चाहे तो इसमें भी ओपन में भी प्ले कर सकते हैं. मैंने डिफरेंट पोजीशंस ऑफ कॉर्ड दे रखी है अपने प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं. मैंने हर कॉर्ड की डिफरेंट पोजीशंस बताई उसमें, तो आप लोग जैसी पोजीशन चाहें वैसी होल्ड कर सकते हैं. मैं उसका लिंक आई बटन पर डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. तो फर्स्ट कॉर्ड थी डी माइनर, सेकेंड एफ मेजर, थर्ड थी ए शार्प मेजर जिसको हम लोग ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं. ओके, मैं आपको शेप दे दूंगा, आप लोग उसको देख के कर सकते हैं. एंड उसके बाद जो कॉर्ड थी वो है थी सी मेजर. ओके, तो उसमें टोटल कॉर्ड कितनी है, तो थोड़ा सा बताता हूँ कैसे इसमें प्रोग्रेशन चलेगा. ओके, तो ये प्रोग्रेशन यूज होता. अब मैं बताता हूँ इसमें स्ट्रमिंग कौन सी यूज हुई है. तो स्ट्रमिंग जो इसकी है उसको बहुत इजी स्ट्रमिंग है, बस आपको क्या करना है, डाउन देन चक या म्यूट, डाउन डाउन म्यूट देन डाउन म्यूट, डाउन म्यूट डाउन म्यूट डाउन म्यूट डाउन म्यूट, डाउन चक डाउन चक डाउन डाउन. इसको प्ले करके दिखाता हूँ. दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा. तो आपने देखा इसमें मैंने कितनी इजी यूज करी है स्ट्रमिंग, डाउन म्यूट या चक देन डाउन म्यूट. आपको पहले प्रैक्टिस करने पड़ेगी इसको म्यूट करके, डाउन डाउन चक डाउन चक डाउन डाउन चक. इसको आप काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, वन थ्री फोर, वन थ्री फोर, वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें. एंड अगर आप लोगों की कोई भी सजेशन है या कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आप लोग मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. एंड मेरे लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे उस पर डीएम कर सकते हैं. एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो एक बार विजिट जरूर करें. उसमें मैंने गिटार लेसन एंड पियानो लेसन भी बना रखे हैं, तो आप लोग एक बार मेरी प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर करें. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं. मैं पियानो एंड गिटार दोनों पर लेसन बनाता रहता हूं, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके.